आज मेरी थोड़ी है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है पहले मैं सोच रही थी कि वीडियो ना डालूं, बट देन आई रियलाइज कि क्योंकि ऑलरेडी पेपर में आ चुका है न्यूज पेपर में कि ऑल uh, दो इस साल एग्जाम नहीं होने वाले हैं बट नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही एग्जाम्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली मार्च में तो फिर उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि डिले करने का हमारे पास टाइम नहीं है तो आज आप लोग मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दैट इज अबाउट द फेमस पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश मतलब हम आज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर बॉर्न हुए और उन्होंने एक सर्टेन प्लेटफॉर्म पे जाके एमपी को रिप्रेजेंट किया है एंड फिर ऑब्वियसली हैव है प्राउड मोमेंट फॉर मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश को जिन्होंने जो मध्य प्रदेश का गौरव बनकर उभरे हैं आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं तो विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट विद तो स्टूडेंट्स जब हम फेमस पर्सनालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एम एक बहुत ही वर्सिटाइल स्टेट रहा है क्योंकि अलग अलग फील्ड में अलग-अलग लोगों ने एम को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो जो सबसे पहले पर्सनालिटी हैं जिन्होंने एमपी को रिप्रेजेंट किया है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी आई थिंक एवरीबडी नोज हिम इनके जो हैं ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसम्बर नाइनटीन ट्वेंटी फोर को बॉर्न हुए थे ग्वालियर में और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर बने थे सिक्सटीन ऑफ मे से फर्स्ट ऑफ जून 1996 जो कि आज तक का इंडिया में किसी भी प्राइम मिनिस्टर का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है रहा है फिर वापस इन्हें नाइन्टीन ऑफ मार्च 1998 में बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर और उस ड्यूरेशन में एक बहुत लंबे टाइम के लिए ये रहे ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मई टू तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को हैंडल किया ये एक हिंदी पोइट भी रहे हैं एक जर्नलिस्ट रहे हैं एंड एक बहुत ही एमिनेंट स्पीकर रहे हैं इन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है ठीक है ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ भारतीय जनसंघ जो एक पार्टी है एंड uh, <coughs> उसके ये प्रेसिडेंट रहे हैं 1968 से लेके 1973 तक किस पार्टी के भारतीय जनसंघ पार्टी के इन्हें भारत रत्न दिया गया था इन दिसंबर 2014 किस चीज़ के लिए दिया गया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंस एंड फॉर ऑर्डिनरी वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जो इन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो इन्होंने अपना टाइम डेडिकेट किया जिस तरीके से इन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट पे अपना ध्यान दिया उस सब काम के लिए इनको भारत रत्न दिया गया है सेकेंड पर्सनालिटी है विजया राजे सिंधिया राजमाता कहा जाता है इनको ये नाइनटीन नाइनटीन एडी में बॉर्न हुई थी सागर में और राणा फैमिली में जो है इनका मतलब ये बॉर्न हुई थी बेसिकली जो इनके फादर थे वो महेंद्र सिंह थे एंड वो डिप्यूटी कलेक्टर थे जलौ डिस्ट्रिक्ट के उस टाइम पे जब डिप्यूटी कलेक्टर की पोजीशन एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है आज भी बहुत बड़ी होती है बट उस टाइम पे भी काफ़ी बड़ी होती है और इनकी जो मदर थी वो बिंदेश्वरी देवी थी फिर विजय राजे सिंधिया का जो नाम पहले था शादी के पहले दैट वॉज लेखा दिव्यश्वरी जब इनकी शादी हुई तो फिर ये विजय राजे सिंधिया हुई और इनका जो शादी हुई थी वो आपकी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेब्री नाइनटीन फोर्टी वन में हुई थी महाराजा जीवाजी राव सिंधिया जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते थे उनसे टू थाउजेंड वन में इनकी डेथ हुई है तो ये हैं भी एमपी की और इनकी शादी भी एमपी में हुई है शी वाज मैरिड टू महाराजा जीवाजीराव सिंधिया एंड एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के लिए के तौर पर ये आ, रही हैं क्योंकि एवरीबडी यूज़ टू रिस्पेक्ट हर एंड उनको जो टाइटल दिया गया था वो राजमाता का दिया गया था इनके जो बेटे हैं वो हैं माधवराव सिंधिया माधवराव सिंधिया का नाम भी काफी लोगों ने सुना होगा he was born on tenth of march nineteen forty five ये ग्वालियर में ही born हुए हैं एंड as I said कि ये राजमाता विजय राजे सिंधिया और जीवाजी राव सिंधिया जी के बेटे थे and two thousand and one में ये कांग्रेस लीडर जो है इनकी death हुई इन्होंने कांग्रेस को काफ़ी time तक represent किया है and MP में इनका बहुत ज़्यादा जिसे बोलना चाहिए importance रही है uh, history में specifically ये एक यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं देन देर इज़ लता मंगेशकर मैम एंड आई थिंक एवरीबडी नोज हो ठीक है ma how, ये इंदौर में बॉर्न हुई हैं ऑन ट्वेंटी एट ऑफ सेप्टेम्बर नाइनटीन ट्वेंटी नाइन को uh, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने मध्य प्रदेश और इंडिया को प्राउड फील करवाया है इनको हम स्वरा सम्रागिनी के नाम से भी जानते हैं काफ़ी अवार्ड्स हैं जिसमें भारत रत्न पद्म भूषण दादा साहेब फाल्के अवार्ड और ऐसे कई अवार्ड्स हैं जो इन्होंने सिंगिंग के जैसे बोलना चाहिए करियर में आ, अचीव किए हैं देन देर इज कुशा भाव ठाकरे कुशा भाव ठाकरे धार से बिलोंग करते थे धार में उनका जैसे बोलना चाहिए बर्थ हुआ था ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे एंड भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते थे बीजेपी को बिलोंग करते थे ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं पार्टी के 1998 से 2000 तक एंड फिर 2004 में इनकी डेथ हो गई अनादर नेम इज नरेंद्र हिरवानी नरेंद्र हिरवानी जो हैं वो बॉर्न हुए हैं इंदौर में एंड ही वाज़ अ लेग स्पिन बोलर ठीक है 1968 में इनकी बर्थ हुई है एंड इन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं सबसे इम्पोर्टेंट है अनप्रसेंडेड रिकॉर्ड विद एट टू एट विकेट्स इन बोथ इनिंग ऑफ इस फर्स्ट टेस्ट मैच तो आ, वो रिकॉर्ड आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया है इसलिए इट इज़ अनप्रसिडेंटेड अवार्ड रिकॉर्ड देन दर इज किशोर कुमार किशोर कुमार का रियल नेम अब्बास कुमार अब्बास कुमार गांगुली था इनका जो जन्म हुआ है जहाँ पे ये बॉर्न हुए हैं वो खंडवा हुए हैं ठीक है इनका स्टेज नेम किशोर कुमार है वैसे ही वॉज अभाष कुमार गांगुली ये सिंगर ही नहीं थे सिंगर के साथ साथ ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर भी रहे हैं इन्होंने एट फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं आफ ऑफ बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एंड कई फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हैं इनको मिलने की वजह से इन्होंने एक रिकॉर्ड उस कैटेगरी में बनाया है ही वॉज़ अवार्डेड लता मंगेशकर अवार्ड लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है तो वो इन्हें 1985 एटी से एटी में मिला था 1997 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके नाम से भी एक अवॉर्ड जो है वो स्टार्ट किया इनिशिएट किया जो कि दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने कॉन्ट्रीब्यूशनस दिए हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इज़ अनादर नेम जो कि अगस्त में 1918 में बॉर्न हुए थे भोपाल में और 1999 में इनकी डेथ हुई ये इंडिया के नाइन्थ प्रेसिडेंट रहे हैं इनका जो टेन्योर था वो फाइव इयर्स का था जुलाई ट्वेंटी फिफ्थ नाइन्टी टू से जुलाई ट्वेंटी फिफ्थ नाइन्टी सेवन तक प्रेसिडेंट बनने से पहले ऑल ये इंडिया के एट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं ओके okay, सो so, जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारी वो है महाकवि कालीदास कालीदास को उज्जैन के जो विक्रमादित्य किंग थे उनके कोर्ट के नाइन जेम्स का में से एक की पोजीशन दी गई है नाइन जेम्स मतलब नौ रत्नों में से इंडिया के शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है इनके जो मेन कॉम्पोजिशंस रहे हैं वो महाल विका अग्नि महालविका अग्निमित्रम मेघदूत ऋतुसहर रघुवंश और अभी जनन शक् कुंतलम रहे हैं इनके नाम से एक एकेडमी भी खोली गई है उज्जैन में इन 1978 जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ओपन की है ये एक मल्टी इंस्टीट्यूशन uh, है जहाँ पे क्लासिकल ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया जाता है कालीदास को सेंटर में रखते हुए नेक्स्ट है शरद जोशी शरद जोशी एक हिंदी पोएट है रहे हैं राइटर सैटरिस्ट सैटरिस्ट का मतलब होता है जो थोड़ी सरकैज़म uh, uh, के साथ लिखते हैं जो थोड़े uh, uh, व्ययंग के साथ लिखते हैं उनको उन uh, को सटायर कहा जाता है और ये वो लिखते हैं इसलिए इन्हें सैटरिस्ट कहा जाता था ये डायलॉग और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं हिंदी फिल्म और टेलीविजन के ये उज्जैन में इनका बर्थ हुआ था इन नाइनटीन थर्टी वन इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1990 सितंबर 1991 में इनकी डेथ हो गई नेक्स्ट इज़ हरी शंकर परसाई हरी शंकर परसाई अगेन एक सेटरिस्ट हैं और ह्यूमरिस्ट राइटर रहे हैं मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के ये जामनानी विलेज होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ ऑगस्ट नाइन्टीन ट्वेंटी फोर इन्होंने इनका जो मैगज़ीन है वो भी इन्होंने पब्लिश की थी जिसका नाम वसुधा था जबलपुर के से इन्होंने उस मैगज़ीन को पब्लिश किया है जो हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है गजानन माधव मुक्तिभूत ये इनकी इनका जो टाइम रहा है जो पीरियड रहा है वो थर्टीन नवंबर 1917 से लेके से ऑफ सितंबर 1964 तक रहा है ये एक बहुत ही बड़े हिंदी पोएट रहे हैं और श्योपुर में इनकी ये जो है ये बॉर्न हुए थे इनके जो पोएट्री कलेक्शंस हैं वो है चांद का मुंह तेड़ा है भूरी भूरी कालहदुल इस ये जो है इनके कुछ पोइट्री कलेक्शंस रहे हैं नेक्स्ट है संध्या अग्रवाल संध्या अग्रवाल इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन रही हैं ये नाइन्थ में नाइनटीन सिक्सटी थ्री में बॉर्न हुई थी इंदौर में एंड uh, ये एक फेमस क्रिकेट प्लेयर रही हैं मध्य प्रदेश की कैप्टन एज अ कैप्टन इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है एमपी को रिप्रेजेंट किया है लास्ट है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी ये जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो उनको हम पंडित जी के नाम से भी जानते हैं ये एक इंडियन पोइट राइटर एसेस्ट प्ले एंड अ जर्नलिस्ट रहे हैं Uh, ये बॉर्न uh, हुए थे फोर्थ ऑफ अप्रैल नाइनटी एटीन नाइन से और uh, ये बाबाई बलच से बिलोंग करते थे होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनके जो फादर थे श्री नंदलाल चतुर्वेदी वो एक टीचर रहे हैं एंड ये uh, गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया है इन 1920 एंड कई बार ये जेल भी जाकर आए हैं प्रजेंट भी हुए हैं इनकी डेथ 1968 में हुई इनकी एक लिखी हुई कविता है या जिसे वो छंद कह सकते हैं प्रोस कह सकते हैं साहित्य देवता और इनकी एक पोएम रही है बनवासी और पुष्पा की अभिलाषा ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से Uh, एक यूनिवर्सिटी भी भोपाल में ओपनड है जिसमें कई कोर्सेस होते हैं और uh, कई स्टूडेंट्स uh, वहाँ से ग्रेजुएट भी होते हैं तो आज का जो सेशन था हमारा उसको मैं यही ख़त्म करती हूँ ये पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं नेक्स्ट सेशन में हम आगे कोर्स uh, को आगे बढ़ाएंगे Till then, you keep preparing and stay focused on your studies. We'll see you in the next session. Bye bye.